उसका दिमाग किसी से कम नहीं है, मैं बल्ब की गारंटी देता हूँ। पता नहीं गया तो गया, लिखकर ले लो वो नहीं आएगा, मन ही मन में वो कुछ बोल रहा था। क्या आप इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं? अगर आप इन्हें ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ टेंसेस और ग्रामर की ही नहीं, साथ ही साथ एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की भी नॉलेज होनी चाहिए। आज के वीडियो में हम वही सीखने वाले हैं, एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर विद देयर मीनिंग्स एंड एग्जाम्पल्स। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक करिएगा। अगर आप एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की सारी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाकर वन बाई वन करके सारी वीडियोस को देख सकते हैं। फिलहाल वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला स्ट्रक्चर है गाइस, किसी से कम ना होना। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, दिमाग में वो किसी से कम नहीं है। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप सेकेंड टू नन का यूज़ करेंगे। किस प्रकार से करना है एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। वह दिमाग में किसी से कम नहीं है, यहाँ तक कि सर भी उसकी बहुत तारीफ करते हैं। आप इसके लिए बना सकते हैं, He is second to none in brain. Even sir praises him a lot. He is second to none in brain. Even sir praises him a lot. एक और example देखिए, उसकी सुंदरता किसी से कम नहीं है, मुझे वह बहुत पसंद है। आप बना सकते हैं, Her beauty is second to none. I like her very much. Her beauty is second to none. I like her very much. आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, गया तो गया। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, गया तो गया, अभी तक वापस नहीं आया है। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस इज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। किस प्रकार से करना है एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। पता नहीं कहाँ गया है, गया तो गया, अभी तक वापस नहीं आया है। आप इसके लिए बना सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं, डोंट नो वेयर ही हैज गॉन, गॉन इज गॉन, ही हैजंट कम बैक येट। डोंट नो वेयर ही हैज गॉन, गॉन इज गॉन, ही हैजंट कम बैक येट। एक और एग्जांपल देखिए, बोल दिया तो बोल दिया, अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। आपसे कोई कुछ बोल रहा है, आप इस प्रकार से हिंदी में बोल रहे हैं, आप इसके लिए इंग्लिश बोल सकते हैं, स्पोकन इज स्पोकन, नाउ व्हाट कैन आई डू इन इट। स्पोकन इज स्पोकन, नाउ व्हाट कैन आई डू इन इट। आप इस प्रकार से इसे सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, सही नहीं है या फिर उचित नहीं है। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, ऐसा करना सही नहीं है। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इट्स नो गुड का यूज़ करेंगे। किस प्रकार से करना है एग्जांपल देखिए, इतनी रात को अकेले जाना सही नहीं है, तुम्हें सुबह जाना चाहिए। आप इसके लिए इंग्लिश में बना सकते हैं और बोल सकते हैं, It's no good going alone in such a late night. You should go in the morning. It's no good going alone in such a late night. You should go in the morning. एक और example देखिए, इस तरह से उससे बात करना सही नहीं है, तुम्हें उससे प्रेम से बात करना चाहिए। आप इसके लिए simply English में translate कर सकते हैं और बना सकते हैं, It's no good talking to him like this. You should talk to him politely. It's no good talking to him like this. You should talk to him politely. आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, लिख कर ले लो। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, लिख कर ले लो, वह यह काम नहीं करेगा।
तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप मार्क माई वर्ड्स का यूज़ करेंगे। किस प्रकार से करना है, एग्जाम्पल देखिए। मैं उसको अच्छे से जानता हूँ, लिख कर ले लो, वो तुमसे शादी नहीं करेगा। आप इसके लिए ट्रांसलेट कर सकते हैं, आई नो हिम वेरी वेल, मार्क माई वर्ड्स, ही विल नॉट मैरी यू। आई नो हिम वेरी वेल, मार्क माई वर्ड्स, ही विल नॉट मैरी यू। आज का हमारा अगला एग्जाम्पल है, लिख कर ले लो, वो एक दिन तुम्हें धोखा देगा। आप डे टू डे लाइफ में इस तरह के सेंटेंस का यूज़ करते होंगे, आप इसे इंग्लिश में बना सकते हैं। मार्क माई वर्ड्स, ही विल बिट्रे यू वन डे। मार्क माई वर्ड्स, ही विल बिट्रे यू वन डे। आप इस तरह से इसे बना सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, गारंटी देना या फिर गारंटी लेना। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, मैं चार्जर की गारंटी नहीं दे सकता। तो ऐसे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप वाउच फॉर का यूज़ करते हैं। किस प्रकार से करना है, एग्जाम्पल देखिए। मैं इस फ़ोन के चार्जर की गारंटी नहीं दे सकता। आप सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बना सकते हैं, I can't vouch for the charger of this phone. I can't vouch for the charger of this phone. आप इस तरीके से इसे सिंपली इंग्लिश में बना सकते हैं। एक और एग्जांपल देखिए, मैं यह आदमी की ईमानदारी की गारंटी नहीं ले सकता। आप सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बना सकते हैं, I can't vouch for the honesty of this man. I can't vouch for the honesty of this man. आप इस तरीके से इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, मन ही मन में। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, मन ही मन में वो कुछ सोच रहा था। तो इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इन वार्डली का यूज़ करते हैं। किस प्रकार से करना है, एग्जाम्पल देखिए। मैं मन ही मन में सोच रहा था तुम्हारे बारे में और तुम आ गई। आप किसी को बोल रहे हैं ऐसा, आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं, आई वॉज इन वार्डली थिंकिंग ऑफ यू एंड हेयर यू केम। आई वॉज इन वार्डली थिंकिंग ऑफ यू एंड हेयर यू केम। आप इस तरीके से इसे बना सकते हैं। एक और एग्जांपल देखिए, वह मन ही मन में कुछ बोल रहा था, मुझे अच्छे से सुनाई नहीं दिया। आप इसके लिए सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बना सकते हैं, ही वॉज इन वार्डली स्पीकिंग समथिंग, आई कुडेंट हियर प्रॉपरली। ही वॉज इन वार्डली स्पीकिंग समथिंग, आई कुडेंट हियर properly। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में बना सकते हैं, आप इस तरीके से इसे सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं गाइस। आई होप गाइस आज की वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रही होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आज की वीडियो लेक्चर आप लोगों को कैसी लगी। सो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और यूजफुल वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड लक।